दोस्तों, जैसे आपको पता है कि बाप जो है वो अपने घर के लिए एक बेहतरीन सहारा होता है और बाप को जन्नत का दरवाज़ा भी कहा गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी ही है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। तो दोस्तों, इस बाप के अजीम दिन के मौका पर बाबर आज़म ने अपने वालद मोहतरम की तारीफ़ करते हुए कहा कि मेरा बाप ख़ुद तो कड़ी धूप में खड़ा रहता था, लेकिन मेरा हौसला खेल के दौरान बढ़ाता रहता था। मेरे बाप ने मुझे हमेशा हिम्मत और हौसले से काम लेना सिखाया। वो घड़ियों के छोटे से स्टाल पर काम करने के बावजूद आपने ना सिर्फ फैमिली की ज़रूरियात का ख्याल रखा, बल्कि अपने ख्वाब और अच्छे इकदार भी हमारे जहनों तक मुंतकिल किए। दोस्तों, T20 और वनडे के कप्तान बाबर आजम ने फादर डे पर मोहब्बत बड़ा पैगाम जारी कर दिया। समाजी रबतों की वेबसाइट पर अपने वालिद के साथ तस्वीर शेयर करते हुए बाबर आजम ने कहा कि आप मुझे मैचेस के लिए ले जाते और ख़ुद कड़ी धूप में रहकर मेरा हौसला बढ़ाते। उन्होंने कहा कि मेरे बाप बहुत अजीम और शफीक हैं, उन्होंने हमेशा मेरा हौसला ही बढ़ाया है। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के वालदैन पर अपना रहम व करम अता फरमाए और उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन।